अब आ जाएं जरा शादी के बाद की बर्थडे, जब आप थोड़े प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं फिर आप अपने आप को पीछे रखते हैं, आपके बच्चों की बर्थडेज और वो सब आगे रख रहे होते हैं, तो जरा वहाँ से शुरू करें। हाय बहन, हमारे तुम्हें पता है कोई सीन नहीं है, कोई सीन ना बच्चों का ना अपना। मम्मा मनाती थी जो, या मेरी भी या मेरे वैसे को ना एनिवर्सरी। बच्चे भी नहीं कहते, बच्चे कहते हैं तो वो तीनों सितंबर में पैदा हुए हैं, तो तीनों की किसी एक दिन, जो मंथला जो जिसकी 11 सितंबर को आती है तो 6 सितंबर और 28 सितंबर वाली एक दिन हो जाती है, तो बस बर्थडे हो जाती है, वरना तुम्हारा किसी ने ये तो सेलिब्रेटिंग वाली फैमिली में हम तो सेलिब्रेशन, ये तो एनिवर्सरी मनाती थी ना, वो तो बच्चों की मनाती थी ना, हर महीने केक कटता था बच्चे का जब तक वो एक साल का हो रहा है, हर महीने। इनके घर बहुत रिवाज, कराची की बेकरी है ना इनके घर, हमारे घर से चलती है। मेरी बेटी ने ना मम्मा बोला था पहले, ना पापा बोला था, केक बोला था, 4 महीने की थी तो सबसे पहला वर्ड उसका जिंदगी का केक था। बट यस, हमारे यहाँ पूरी फैमिली में ये ट्रेंड है कि स्ट्राइक एट 12 करना है मस्ट। अच्छा, तो जिसकी बर्थडे होती है ना वो 12:45 बजे जाके बिस्तर पे यूं लेट जाता है, प्रिटेंड करते हैं कि सरप्राइज होगा कि बाहर कुछ हो रहा है। मैं इसको कहती हूं शकरखोरे को शकर ही मिली है, गंजे को नाखून ही मिले हैं ना, क्योंकि ये ऐसी थी कि सेलिब्रेट कर लिए जबरदस्ती और उसको घर भी ऐसे ही बात है। सबकी चाहे फादर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो, मियाँ हो, मेरी बर्थडे हो, किसी की भी बर्थडे हो, हम उसी तरह सेलिब्रेट करते हैं जैसे एक न्यू बॉर्न बच्चे की बर्थडे। जब आप तुम बताओ भी इसी तरह है, शादी के बाद, शादी के बाद भी हाँ। मगर वो ये है कि डिफरेंट लोग हो जाते हैं, डिफरेंट फैमिली हो जाती है, बट सेलिब्रेट हमेशा से। बेटे की भी मैंने फर्स्ट बर्थडे बहुत धूमधाम से की थी, और वो रो रहा होता होगा, और वो रो रहा था और उसको कुछ नहीं पता था, उसका कुल्ला भी उसको पहनाया, उसको काला कुर्ता भी पहनाया और उसको गोद में रखा हुआ है और उसको कुछ नहीं पता, मगर माँ बाप फुल एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे करते बच्चों के बच्चे। हाँ, उसकी बर्थडे मैंने हमेशा उसकी सेलिब्रेट करी और बड़े उस पर की है मैंने हमेशा। आप बताए। अच्छा, मेरी मुझे कॉलेज वाली वैसे बर्थडे मुझे याद नहीं, बड़ी अच्छी होती थी, लेकिन आई थिंक वंस आई हैड किड्स उससे पहले तो शादी का तो बिल्कुल बर्थडेज रुक गई थी ना, क्योंकि आप वही जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ हम बर्थडेज पे बिलीव नहीं करते, तो फिर मर गई ना सालगिरह, या आपकी खत्म हो गई, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, दिल मार दिया, खत्म हो गया। उसके बाद फिर जब बच्चों का आए ना, तो बच्चों के फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ तो पूरा बिल्कुल बिल्कुल, तो वरना ऐसे भी घरों में होता है कि जी अच्छा जी बर्थडे होगी भाई हम गिफ्ट दे देंगे, उसके बाद गिफ्ट भी खत्म, बस हम डिनर कर दिया करेंगे। तो ना वो श्रिंक की मेरी बर्थडे बिल्कुल श्रिंक होके ना इनविजिबल हो गई। तो फिर अलीजे आई, तो अलीजे की बड़ी ग्रैंड सब जो थे हम बड़ी अच्छी, इसकी हमेशा आई रिमेम्बर अच्छी बर्थडे करना, वो बड़ा अच्छा लगता था। एंड लेटर व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, उसके बाद तो मैंने कहा ऑल आइज ऑन मी, ये मेरा दिन है। सारे दिन ना आपके सबके होते हैं, किसी का होता है एक साल में एक दिन मेरा है, बाकी ऑल आइज ऑन मी, वो मुझे सब विश करें, मेरी इंपॉर्टेंस है, मतलब फ्रेंड्स भी एक, और फिर मुझे हुआ कि मैं दो दो तीन तीन भी मनाने लग गई ना, ये भी हुआ टाइम। आजकल ये ट्रेंड है, आजकल तो बहुत है, आपकी पूरा महीना बर्थडे चलती है, बर्थडे मंथ, आपका बर्थडे नॉट बर्थडे, इट्स द बर्थडे मंथ, प्लीज मेरा मैं मंथ भी लिखना अच्छा है। गर्मी बहुत है, आपकी एक फ्रेंड एक बर्थडे कर रही होती है, फिर एक फ्रेंड का कंपटीशन होता है, दूसरी फ्रेंड बर्थडे कर रही होती है, फिर वो सब इकट्ठे हो रहे होते हैं, बहुत प्यारी बात है कि बाकी बर्थडे फिर ऐसे फ्रेंड्स एक करें, एक घर वालों के साथ हो, सबके साथ, अपने हस्बैंड के साथ, आप बस उन लोगों की वाट लग जाती है, एक इंसान की चार बर्थडे अटेंड करते हैं, उनको चार गिफ्ट देने पड़ते हैं, उनकी वाट लगती नहीं, वो एक ही दफा दे दे क्या हो गया, नहीं आप फ्रेंड नहीं, आपको उनको देनी पड़ती है जो कि वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, आपने जिसका बर्थडे उसको तो दे दिया, वो तो बंदा हो गया फारिग, अब जो बर्थडे उसको कर रहा है और हमें इनवाइट कर रहा है तो उसको तो बर्थडे गिफ्ट जाएगा ना, क्योंकि वो तो हमें इनवाइट कर रहा है, फिर एक दूसरी फ्रेंड कर रही है, अच्छा वो भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, अब उसको भी गिफ्ट जाएगा, चीज आ चुकी है बहुत ज्यादा। मेरी बचपन में ज्यादा सेलिब्रेट की है मैंने, अपनी बर्थडे को एंजॉय किया है, फिर फ्रेंड्स के साथ किया है, शादी के बाद मैंने कोई खास सेलिब्रेशन नहीं की। हाँ, जब बेटा हुआ था उसकी फर्स्ट बर्थडे मेरे ससुराल वालों का था कि पहली सालगिरह, पहला बच्चा, जबकि मैं बिल्कुल नहीं थी, मैंने कहा बच्चे को समझ नहीं है अभी मैं क्या करूँगी इसकी सालगिरह करके, आई वाज नॉट इन फेवर, लेकिन फिर भी बहुत ग्रैंड, ये हमें अकल आई तीसरे बच्चे पे, मैंने तीसरे बच्चे की बर्थडे पहली वाली ग्रैंड नहीं की, जो पहले दूसरे थे दो थे बिल्कुल सब समझ आ गया। ऐसा लगता है मैं शुरू से बहुत प्रैक्टिकल चीजों को देखती हूँ ना, कि नहीं मतलब क्या जरूरत है बच्चे को तो समझ, ख्वाहिश होती है हम सब की कि चलना ठीक से और पहली ग्रैंड बर्थडे, वही ना वो पहली बर्थडे माँ बाप के लिए बेसिकली। तुम्हारी भी पहली बर्थडे मनाई थी अम्मी, मैं तस्वीर रो रही है, चुप रहते हमारे यहाँ ना एक इवेंट नहीं होता विच इज बेसिकली
क्योंकि बेबी होम कमिंग का इवेंट नहीं हम मनाते, तो इस वजह से वो फर्स्ट बर्थडे इज लाइक बेबी होम कमिंग. हमारी फैमिली छठी जो होती है क्या बेबी होम कमिंग, और बस ये रिश्तेदारों को, आई थिंक ज्यादा रिश्तेदारों का भी अफेयर होता है. रिश्तेदारों को आप बड़े बच्चे से इंट्रोड्यूस करते हैं वो. अच्छा होम कमिंग नहीं होता लेकिन हमारे यहाँ अकीका होता है, और वो ग्रैंड मनाते हैं.